गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ और इसमें मैं एक करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करूँगा और ये एक हॉट टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी मच इन द न्यूज़। तो आई एम श्योर दे गोना आस्क यू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके इम्पोर्टेंस का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। बेसिक से पढ़ेंगे और जो करंट अफेयर में चल रहा है वहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएं और वहाँ पर अगर कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। तो आवर टॉपिक इज़ पीगासस, ठीक है। पीगासस क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल प्लस 13 मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये कहा गया है कि जो पीगासस स्पाईवेयर है कि ये, ठीक है, तो इसके द्वारा वेरियस कंट्री ने अपने अपोजिशन अपोनेंट और वेरियस कंट्री पे स्नूपिंग की है। स्नूपिंग मतलब स्पाईगिरी किया है, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। तो इट वॉज इन दी न्यूज़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बैठाई है इसके ऊपर, इससे रिलेटेड, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। और ये बहुत हॉट टॉपिक था 2-3 मंथ में और ये स्पाई से रिलेटेड है। हमारा काम जो आईबी में होगा वो भी एक स्पाई सा काम है। तो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का ही काम है, आप भी इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछेंगे। और इफ़ यू आर अ इंजीनियर दैट टू एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो या सीएस के या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, तो आपसे पूछना श्योर बनता है। तो ये आप ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ जो बेसिक चीज़ होता है, ये पीगासस एक स्पाईवेयर है लेकिन एक अम्ब्रेला है जिसको कहते हैं मालवेयर, ठीक है। मालवेयर एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे जैसे कि वायरस, वॉर्म्स, ठीक है, स्पाईवेयर, रैमसमवेयर, तो ऐसे आते हैं। तो हमें सब कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले मालवेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मालवेयर, ठीक है। तो व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर एक प्रोग्राम डिजाइन कोड है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम किसी के थर्ड पार्टी के कंप्यूटर में डालते हैं जिससे हमें उसकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो नॉर्मली ये किस लिए होता है? ये होता है बेनिफिट होने के लिए, कि जैसे कि आप और मैं हैं और आप मेरे कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, मेरे को पता ना चले उसके तो भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक मेलवेयर मेरे कंप्यूटर में डाल देंगे और वहाँ से विदाउट माई परमिशन मॉलवेयर विल एक्सट्रैक्ट दैट इन्फॉर्मेशन एंड विल गिव इट टू यू, ठीक है। ये एक सिंपल सी इसका डेफिनेशन है। तो अगर हम डेफिनेशन इंग्लिश में बोलें तो मालवेयर इज़ अ प्रोग्राम डिजाइन टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी विदाउट द यूजर्स परमिशन, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गई। अब मालवेयर बहुत टाइप के होते हैं, तो लेट जस्ट डिस्कस दी वेरियस इंपॉर्टेंट मालवेयर। तो एक होता है वायरस, जिसको हम वायरस कहते हैं, दूसरा होता है वॉर्म, तीसरा होता है ट्रोजन होसेस, चौथा होता है रैमसमवेयर और पांचवा होता है स्पाईवेयर। उसके साथ साथ बहुत और भी होते हैं बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैम, दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दीज फाइव। सो वी विल डिस्कस दीज फाइव एंड वी विल लीव इट टू दैट ओनली, बिकॉज दे गोना आस्क यू फ्रॉम दैम ओनली और करंट अफेयर जो पीगासस है, ठीक है। नाउ वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर वी आर गोइंग टू रीड नाउ। तो मालवेयर का सबसे पहला जो टाइप है वो है वायरस, ठीक है। अब वायरस, जैसे हम कोरोना वायरस है, SRS वायरस है, जो कोविड वायरस है हम कहते हैं, तो वो कैसे काम करता है? वो नॉर्मल हवा में है, नॉर्मल एयर में है, देन वो वायरस हमारे अंदर आता है एंड देन इट स्टार्ट्स और इट्स एक्टिवेट और उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर होता है, जो वायरस होता है, वो क्या होता है? वो एक वायरस है जाके एक कंप्यूटर की किसी भी फाइल में अटैच हो जाता है, ठीक है। इसका अटैच होना कंपलसरी है एक एग्जीक्यूटिव फाइल में। जैसे कि मान लो कल मैंने आपको एक जीमेल का मेल भेजा और उसमें मैंने एक वायरस अटैच कर रखा है, जैसे ही आप उस जीमेल को खोलेंगे सो ही वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज इट गॉट अ होस्ट, कि आपने एग्जीक्यूट की फाइल एंड इट गॉट अ होस्ट, फिर वो स्प्रेड हो जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा आपके सिस्टम को। ये वायरस जो होते हैं वो कभी कभी बहुत कम हार्मलेस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्मलेस होते हैं। दे कैन मॉडिफाई योर डाटा एज वेल एज दे डिलीट योर डाटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ द ओपनिंग ट्रिगर ऑफ फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपका वायरस एक्टिवेट होगा, विदाउट होस्ट इट कैन नॉट वर्क, ठीक है। जैसे वायरस के लिए बॉडी चाहिए,
वैसे ही कंप्यूटर चाहिए या उसकी फाइल चाहिए, तभी ये वायरस एक्टिवेट होगा। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड वन। सेकेंड वन इज वॉर्म, ठीक है। वॉर्म क्या है? ये रिप्लीकेट करता है अपने आप को सिस्टम में बहुत ज़्यादा तेज और जल्दी तरीके से, ठीक है। ये फाइल के अटैच हो जाता है डिफरेंट फाइल के और फिर घूमता रहता है पूरे सिस्टम में। ये कंप्यूटर के जो सो कॉमन डेटा स्टोरेज एरिया, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं एक ही जगह उनका डेटा स्टोर हो रहा है, वहाँ पर उसको जाना होता है, तो वो वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क से जाते हुए स्टोरेज डेटा में चला जाता है। और वो यूजली क्या करता है? वो यूजली ये करता है, वो इस नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वायरस और वॉर्म क्या है? वायरस को एक होस्ट चाहिए, एक फाइल चाहिए जिससे वो अटैच होगा, और वो जब फाइल एग्जीक्यूट होगी तभी वायरस काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन वॉर्म को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वॉर्म क्या होता है? वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है काम करना, एंड इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली, ठीक है, ये आपको याद रखना। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड वन इज स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर क्यों? हम स्पाईवेयर से आपके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इट्स डूइंग समथिंग विद स्पाइनेस, मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रहा है ये कोई, ठीक है। और यही है पीगसस, ठीक है, जो इट वॉज इन न्यूज, यही है। तो अब ये क्या करता है? इसका पर्पस ये है कि ये इंफॉर्मेशन, प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है वो स्टील करेगा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम और स्मार्टफोन और आईफोन, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी गैजेट है उनसे वो कर सकता है, ठीक है, स्मार्टफोन स्पाईफोन। तो और किसके लिए कर रहा है? ये थर्ड पार्टी के लिए कर रहा है, ठीक है। अब स्पाईवेयर क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो अपने हैकर को, जिसने भी हैक किया है उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर दी स्नूपिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज ट्रोजन होर्स। आई एम श्योर बहुत लोगों ने एक मूवी देखी होगी ट्रोजन करके। तो उसमें क्या होता है कि हम दूसरे रूप में आते हैं और उस टीम में मिल जाते हैं, एंड देन वी अटैक इट। ऐसे ही ट्रोजन होर्स एक मालवेयर है, जो जैसे आपको कुछ खोलना है, जैसे आपको कोई ऐप चाहिए तो उस ऐप के रूप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, देन इट विल गेट एक्टिवेटेड। तो एक डिजायर्ड अपीरेंस में आता है, और जैसे कि अगर हम बच्चे हैं ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसके रूप में आ जाएगा, और वेरियस अदर फाइल की तरह आ जाता है। देन इट बाइंड इट सेल्फ टू नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे इमेज ऑडियो, एंड इट ट्रांसफर इट, ठीक है, ये भी होता है, सेम काम है। अब नाउ एक और जो हमारा बाकी रह गया है, एक टाइप और दो टाइप और रह गए, एक लॉजिकल बॉम्ब है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादातर अटैक करता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे, ठीक है। वो क्या था? फाइलों पे कर रहा था, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे काम करता है, जैसे कि कूलिंग फैन, हार्ड ड्राइव्स, पावर सप्लाई, इन सब को करता है। तो ये करता कैसे काम है? ये क्या होता है, इन कूलिंग फैन है जैसे चल रहा है तो उसको चलाता रहेगा चलाता रहेगा, और थोड़ी जो ज़्यादा आपकी जितनी स्टेमिना है उससे ज़्यादा करता रहेगा तो आप थक जाओगे ना, वैसे ही कूलिंग फैन को और तेज करता रहेगा, एट द एंड कूलिंग फैन ओवरहीट हो जाएगा या फेल हो जाएगा। तो इसका काम ये होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रैमसमवेयर। रैमसम मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदी में कहोगे तो आप कहोगे वो क्या कहते हैं, जैसे वसूली, ठीक है, वैसा ही काम है। तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के किसी भी सिस्टम में जाता है या कोई डाटा जो इम्पोर्टेंट है, और उस डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, जो कि हमें उसको पता नहीं है। जैसे मेरा कंप्यूटर, आपने रैमसमवेयर मेरे कंप्यूटर में डाला और मेरे पास, मेरे को एक फ़ाइल खोलनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट फाइल है। आप उसको क्या करेगा, रैमसमवेयर उसको लॉक कर देगा, जिसका मैं खोल नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे कॉल करेगा वो बंदा कि अगर आपको ये फाइल खुलवानी है तो आपको एक प्राइस मेरे को देना पड़ेगा, दैट वी हैव टू पे टू द क्रिमिनल टू रिट्रीव द डाटा, ठीक है, एंड दैट अमाउंट इज पेयर। तो उसके बाद फिर विक्टम फिर से अपना काम कर सकता है, ठीक है, ये सिर्फ पैसे वसूली करने का काम होता है इसका। Now we have discussed all the types of malware. Now what is this? जो आज अभी न्यूज में था वो ये था कि Pegasus, Pegasus is a spyware. ठीक है, ये एक spyware है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है spyware, आपको मैंने बता दिया है क्या है। ये किसने डेवलप किया? ये एक NSO ग्रुप है, ठीक है, इट इज़ अ कंपनी, और कौन सी कंपनी है? इजरायली कंपनी है। तो इजरायली सर्वेलेंस कंपनी है जिसने ये ऐप, जिसने ये स्पाईवेयर डेवलप किया है, ठीक है। ये क्या करता है? ये फ़ोन हैक करता है किसी का भी, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो iOS है, मतलब एप्पल है, ठीक है, तो ये हैक कर लेता है। तो 2019 की बात है, तब व्हाट्सएप ने क्या किया था, व्हाट्सएप ने US के कोर्ट में जाके इस NSO ग्रुप को केस कर दिया था कि इन्होंने हमारा व्हाट्सएप को हैक कर लिया है,
ठीक है, अब वहां पर तो न्यूज चलती रही, वो चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, फिर से अब 2000 जुलाई 11 में क्या हुआ, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मैंने आपको बताया, उसने 13 मीडिया आउटलेट्स जो भी न्यूज़पेपर जर्नलिज्म होता है उनके साथ मिलके एक रिपोर्ट रिलीज की कि कैसे ये स्पाईवेयर है वो यूज हुआ है टू स्नूप, मतलब टू गैदर इंटेलिजेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज इंडियंस। ठीक है, अब जो एनएसओ ग्रुप है उसने अपनी सफाई में ये कहा है कि हम किसी प्राइवेट आदमी को नहीं देते हैं, वी डील विद गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, वी शेयर दिस, वी सेल दिस स्पाईवेयर टू गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो वेरियस गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बॉट इट। ठीक है, ये बहुत ही फ्लैगशिप है, मतलब बहुत ही अच्छा है एक्चुअली में काम करने में, बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इसलिए लोग लेते भी इसको हैं। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और किसी भी इस रिपोर्ट के बाद किसी भी नेशन ने आके खुद एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने इसका कोई यूज़ किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ कि ये एक स्पाईवेयर है। ठीक है, ये किसने किया है, इजरायली एक कंपनी ने, कौन सी कंपनी, एनएसओ ग्रुप ने। और ये क्या करता है, ये इन्फिल्ट्रेट करता है, क्या करता है, स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईओएस हो, मतलब कि एप्पल है या एंड्रॉयड फोन है, और उनको सर्विलेंस पे कर देता है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, पीगासस एक मेथड यूज़ करता है, कौन सा मेथड यूज़ करता है वो आपको बहुत जानने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीरो क्लिक मेथड। जीरो क्लिक मेथड में क्या है कि जो फ़ोन का ओनर है उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या करेगा, ये पीगासस फ़ोन के अंदर जाएगा और एक मिस कॉल मार देगा आपके व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मिस कॉल। ठीक है, अब जैसी मिस कॉल लग जाएगी सो ही आपका काम हो गया। तो जो मेरे को मान लो मिस कॉल आई लेकिन मैंने उसको कुछ किया नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने इग्नोर मार दिया। अब बहुत बड़े जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ होते हैं, वो उनके पास बहुत कॉल आते होंगे, मेल आते होंगे, तो वो ऐसे मिस कॉल को इग्नोर मार देंगे। अब जब इग्नोर मार दिया है तो उस वो स्पाईवेयर एक्टिवेट हो गया। अब स्पाईवेयर क्या करेगा, कॉल को अल्टर लॉक कर देगा, आपके नॉलेज को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो ये क्या क्या कर सकता है, ये कॉल को ट्रैक कर सकता है, ये रीड कर सकता है आपके मैसेज, ईमेल्स, कैलेंडर, इवन इट कैन ओपन योर फोन कैमरा। ठीक है, और इट कैन रिकॉर्ड योर वीडियो खुद से ही। तो आप सोचो कि आपका फोन सही कहीं रखा हुआ है और उसका कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा और वो देखेगा, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी आपके, आप अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये होता है यहाँ पर, तो बहुत ही फ्लैगशिप टाइप है, इसको हम मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वायरलेस ट्रांसीवर के द्वारा भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर ये कमांड कंट्रोल जिसके द्वारा ये भेजा गया है उससे अगर कनेक्ट नहीं रहा 60 डेज में, तो ये अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है और रिमूव कर देता है कोई भी जो ट्रेस हुआ होगा। और यही सब इसकी खासियत है कि किसी को पता ही नहीं चला, कुछ आया आपका सामान चुराया और भाग गया, आपको पता ही नहीं चला कभी चोरी हुई थी, तो ये वाली बात है। तो ये डिटेक्ट भी कर लेता है कि अगर जैसे हमने किसी इस सिम में डालना है लेकिन ये कोई गलत सिम में डल गया है, तो ये अपने आप को फिर से डिस्ट्रक्ट कर लेगा, तो पता नहीं चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही एमनेस्टी इंटरनल ने कहा है कि डिस्पाइंग इतनी इशू के कारण भी इन्होंने अपडेट होते रहते हैं तो भी ये ब्रीच कर जाते हैं, तो इसीलिए इसको फ्लैगशिप कहा जाता है, और ये आप ध्यान रखें। ठीक है, नाउ ये मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे तो कभी मेरे सीएससी की तैयारी में, तो ये आपके लिए भी है। इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ पीगासस के बारे में क्या न्यूज़ रही है कि 300 फोन स्नूप हुए हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हुआ है, क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हुआ है। अब मालवेयर क्या होता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर बहुत कुछ आता है, स्पाईवेयर, ट्रोजन होर्स, ठीक है, रैमसनवेयर, ये सब, तो आप ये सब आराम से खुद से पढ़ सकते हैं। तो मालवेयर जो टर्म है वो कब आया था, 90s में आया था। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जगह के फ़ोन में तो आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, क्रैश करने लग जाएगा, ठीक है, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, ये हो जाने लग जाएगा। तो पीगासस कब न्यूज़ में आया था, 2016 में आया था, जब व्हाट्सएप ने सू कर दिया था कोर्ट में एनएसओ ग्रुप को। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, क्रिटिकल, किसने बनाया, एनएसओ ग्रुप ने बनाया, कहाँ की कंट्री से, इसराइल कंट्री की। ठीक है, अब 60 गवर्नमेंट हैं जो इनकी कस्टमर हैं इन 40 कंट्रीज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेथड यूज़ करता है, जीरो क्लिक मेथड यूज़ करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, राइट टू प्राइवेसी है। अब इंडिया में क्या है, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, एक केस हुआ था, के एस पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और ये आर्टिकल अंडर 21 के अंडर आता है। ठीक है, अब राइट टू प्राइवेसी करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वो स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 गवर्नमेंट लाई है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है जो अभी भी आ रहा है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, बी एन कृष्णन कमेटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी आया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है टू इन्वेस्टिगेट कि क्या किया गया है, क्या सर्विलेंस हुआ है इंडिया में कि नहीं हुआ है। उस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के जज आर वी रविंद्रन, ठीक है। और इनका काम क्या क्या हुआ, सबसे पहले इनको पता करना है कि क्या ये पीगासस किसी फ़ोन या डिवाइस में या यूज़ हुआ है जो इंडियन डिवाइस में, ठीक है, इंडियन सिटीजन के डिवाइस पे यूज़ हुआ है कि नहीं, अगर यूज़ हुआ है तो उसकी विक्टिम के डिटेल क्या हैं। उसके बाद जब 2019 की व्हाट्सएप की रिपोर्ट आई थी हैकिंग की, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपको पता करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिगासस को लिया है, ठीक है, और अगर लिया है या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है या किसी सेंट्रल एजेंसी ने लिया है कि नहीं लिया है, और अगर लिया है तो वो क्या सिटीजन के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लिया है कि नहीं लिया, ये भी इन्वेस्टिगेट करना है। इफ डोमेस्टिक के लिए यूज़ किया है तो किसने इस चीज़ को ऑथराइज़ किया है, ठीक है, कि इंडियन सिटीजन के स्नूप पर स्नूप कर देते, और अगर यूज़ किया तो किस रूल और किस गाइडलाइंस के आधार पे ये यूज़ किया गया है, बाकी सारी चीज़ें जो इससे रिलेट हैं वो सब इन्वेस्टिगेट करनी है इस कमेटी को, ठीक है। अब इंडिया में क्या इशू है, इंडिया में चैलेंजेस बहुत हैं, तो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले इंडिया एक डिजिटल इंडिया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया। अब इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में अब स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन आ गया है। अब जब स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन आ गया तो 700 मिलियन स्मार्टफोन है इंडिया में आज। अब इंडिया में 700 मिलियन स्मार्टफोन तो है, लेकिन जो डिजिटल लिटरेसी है, मतलब डिजिटली पढ़ने की समझने की जो क्षमता है, वो सिर्फ 10% लोगों में है, 90% आर इलिटरेट, डिजिटली इलिटरेट, नॉट जो नॉर्मल होते हैं, ये डिजिटली इलिटरेट की बात की गई है। तो इनके साथ क्या हो सकता है, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है, इनके ऐप के द्वारा इनको हैक किया जा सकता है, इनको फ्रॉड किया जा सकता है, ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। और टेररिस्ट जो होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो मिलिटेंसी है, ठीक है, रेडिकलाइजेशन है, ये भी की जा सकती है, ठीक है। साथ साथ में क्या है, कोई भी अगर हमें गलत आदमी से को इस किसके हाथ में चला गया ये स्पाईवेयर, देन दे कैन स्नूप इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर का अगर फ़ोन कोई हैक कर लेगा तो कितनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कैन शेयर, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ढंग से रखा जाए। तो जो कहा जाता है कि करने इसका फ़ायदा क्या है, क्या करना है, आपको अपने फ़ोन हमेशा अपडेट करते रहना है, आपको एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर रहना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर पीगासस, आई होप यू मस्ट हैव गॉट ऑल दी नॉलेज रिगार्डिंग दी मालवेयर एंड पीगासस, दे आर गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम दीज ओनली विद परस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आई होप यू विल रीड इट अगेन एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरी थिंग एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इफ आस्क्ड बाय इंटरव्यू पैनल। गुड बाय, थैंक यू।